role, yes. Yeah, I'm the DOP of this film, and Vijay has been shooting with very difficult situations, and because it's a real thing, we're not doing any pre-settings. So, but it's a good journey. It's a good journey. Yeah, thank you. That's it. Yeah. It's like this ki aaj bahut hi auspicious day hai aur we are very lucky ki hame aisa din mila hamara poster launch karne ke liye aur teaser ko launch karne ke liye bahut hi kismat wale logo ko aisa din milta hai aur humne ye plan nahi kiya tha but jahan pe chaaha hai wahan pe raha hai to bas I guess everything is happening very good नहीं देखा तो नहीं है बट आई थिंक दे आर वेरी गुड एंड सब लोग उनके ऊपर दे लुक अप टू देम सो मैंने खेला है डांडिया बैक न्यूयॉर्क में हमारे यहाँ पे भी सब कुछ होता है चाहे हम इस देश से दूर रहते हैं पर हमने अपना कल्चर बना के रखा है वहाँ पर भी अच्छा आज यहाँ पे आप आए हो ये जो फिल्म है वो एक ऐसे बच्चे की है जिसने अपने माँ बाप को एक एक्सीडेंट में बदकिस्मती से खो दिया और उसका कोई रिलेटिव नहीं है तो वो एक ऐसी गैंग से मिल गया जहाँ पर उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया उसे ट्रेन करते हैं भीख मांगने के लिए तो ये एक फिल्म जो है ये एक रिमाइंडर है कि अगर आप ऐसा होते हुए कहीं पर भी ऐसा कुछ देखें तो अपनी आँखें बंद करके आगे मत चलते जाइए रुकिए शायद आपके एक मिनट रुकने से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है तो बस यही है कि वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस सबको याद है सबको मालूम है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है पर ये एक रिमाइंडर है तो मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ आई वॉलंटियर एट यूनिसेफ सिंस बैक इन 2004 मैं न्यूयॉर्क केयर्स के साथ काम करती हूँ हमारी खुद की फाउंडेशन है प्रिंस फाउंडेशन जो हमने खोली थी अब मेरे बेटे के पैदा होने के बाद उसका नाम प्रिंस है तो हम वहाँ पे ऑलवेज 200 लोगों को हर ट्यूसडे को होमलेस लोगों को खाना खिलाते हैं एवरी वीकेंड आई टेक हिम टू द सीनियर फैसिलिटीज़ जो वृद्धा आश्रम होता है जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो मैं उन्हें वहाँ पे लेके जाती हूँ थोड़ी खुशियाँ बांटती हूँ उनके साथ तो बस मैं अपने बेटे को यही सिखाना चाहती हूँ कि हाउ टू बी केयरिंग लविंग एंड बी काइंड और उसे वैल्यू होनी चाहिए चीज़ों की कि उसके हाथ में क्या है हमेशा ज़मीन पर चलना सिखाना चाहती हूँ फिल्म में आप क्या कर रही हैं मतलब बच्चों का आपने किधर बता दिया तो ना आप क्या कर रही हैं मैं इन बच्चों की कहानी बता रही हूँ आप सबकी आँखें खोलने के लिए ही हूँ मैं वहाँ पर सबको बताना चाहती हूँ कि हम सब जैसे लोगों को उठ कर आगे आकर ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए मेरे माइंड में ये कहानी आई थी मैं एक्चुअली एक दिन जा रहा था गाड़ी से तो एक बच्चा आया और उसने मेरे सामने हाथ फैलाया तो मैंने उसको पैसे दिए लेकिन मैं बोला ये बेटे 100 रुपीज खाना खा ले तो उस दिन से मेरे माइंड में आया कि मेरे को ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए फिर मैंने मनीष सर हैं जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं इनसे डिस्कशन किया मोदी सर हैं जिन्होंने ये फिल्म को लिखा तो ये आइडिया बहुत अच्छा था इन्होंने बोला बहुत अच्छा आइडिया इस पर हम लोग काम करते हैं तो डिस्कशन करके फिर स्क्रिप्ट वगैरह लिखी और इस पर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया शॉर्ट फिल्म नॉट शॉर्ट फिल्म ये 1 आवर्स की एक फिल्म है जो हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में रिलीज करेंगे हम लोग क्योंकि हॉलीवुड में शॉर्ट ही चलती है मतलब अभी 2 आवर्स नहीं हुआ इसलिए हमने सोचा कि शॉर्ट एंड स्वीट कहानी लेकर के आए जिसमें लोग ऑडियंस को बोर भी ना लगे और पूरी कहानी भी बता सके इसलिए 1 आवर्स की रखी फिल्म में कोई गाना जैसे है। हाँ एक गाना है इसमें लाइक दैट सिचुएशन सॉन्ग है जो कल हमारा गाना रिकॉर्ड होगा इस गाने को कौन से सिंगर लगे अलका जी इस गाने को गा रहे हैं एक घंटे में फिल्म जाएगी कहानी लगता है कि कहानी काफ़ी बड़ी जैसे मैम जैसे आपने कहा कि कहानी काफ़ी बड़ी है एक घंटे में जाएगी है ये रियलिस्टिक मूवी है हमने यहाँ पे सेट्स नहीं लगाए हैं हमने यहाँ पे कोई फेक सेट नहीं बनाया हम लोग ने जाके स्लम में काम किया है हम लोगों ने असली बच्चों की ज़िंदगी को छुआ है हम लोग उन गलियों में गए हैं उनको देखा है उनको छुआ है उनसे बात
किए हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम भी बिताया है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मूवीज़ होती हैं हम लोग सेट को क्रिएट करते हैं फिर जाके शूट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब मूवी देखेंगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगा ऐसा सेट क्रिएट ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप क्रिएट करने के लिए बैठे भी तो वो रियलिटी सामने नहीं आती है। तो इट्स अ वेरी रियलिस्टिक मूवी। एक घंटे के लिए थिएटर को कैसे हायर किया है आपने, मतलब अगर बात करें बॉलीवुड मूवी की तो बड़ी लेंथ की मूवी होती है, जी तो थिएटर्स को हायर करने के लिए आपने क्या अपने आप में? अभी तो फिलहाल हमने थिएटर हायर नहीं किए, ये हम जितने बड़े फेस्टिवल हैं पहले तो इस फिल्म को फेस्टिवल में भेजेंगे, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमको कितने थिएटर हम हायर करेंगे। थिएटर्स में तो कुछ ही लोग आ पाते हैं, हमारा प्लान है कि हम पूरी दुनिया को दिखाएं, सबको बताएं कि हमारे एक छोटे से कदम से हम किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो हम ऑलमोस्ट सारे स्लम्स में गए हैं, हर सारे झोपड़पट्टी में गए हैं, हर बॉम्बे के कई सारे ब्रिजेस के नीचे जो बच्चे रह रहे हैं हम उनके पास गए हैं, उनसे पता किया है, उनसे बातें की है, उनकी प्रॉब्लम्स जानी है। और हमारा ये अभियान, जैसे मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, हमारा ये बहुत बड़ा अभियान है और सबका साथ चाहिए। अगर ये सबका साथ रहा तो इस अभियान में हम कामयाब होंगे। शूटिंग सिर्फ इंडिया में हुई है कि बाहर भी, जैसे कि मैम कह रही हैं। हाँ, लेकिन ये सब्जेक्ट ही इंडिया का है इसलिए सब कुछ सारी शूटिंग यही हुई है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चों पर फिल्म है, सलम के बच्चों पर, इन बच्चों को आशीर्वाद की छत दो कि ये कहें हम नहीं हैं बेघर, इन बच्चों को इतनी मोहब्बत दो कि ये कहें आई एम नॉट ए बेघर। चैरिटेबल एक्ट इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स हेवन। आप छोटा सा चैरिटी का एक्ट करके कदम उठा के अपने कदम हेवन की तरफ बढ़ा सकते हैं, स्वर्ग की तरफ बढ़ा सकते हैं, और स्वर्ग यही है। बहुत लोग सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, पर मेरा यही मानना है कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। तो हम अपने जहाँ पे रहते हैं उसे ही क्यों नहीं स्वर्ग बनाए, मरने के बाद क्या होगा किसे पता है। बस अपने और अपने परिवार के लिए तो सारे लोग कर रहे हैं, पर कोई दूसरों के लिए कुछ करे वो ही ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा और उसको भी सुकून मिलेगा, और जिसका साथ देंगे उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.